नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की। यहां आम के बाग की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। बात होगी दुर्ग की। यहां दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने धूमधाम के साथ मनाया 49वां जन्मदिन। बताएंगे कैसे सहारनपुर में गंभीर रूप से घायल युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां आम के बाग की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। रात में ट्यूबवेल पर सोया था वही ढकौली निवासी 62 वर्षीय मृतक रामपाल जाटव। सुबह परिजनों के ट्यूबवेल पर पहुंचने पर लहूलुहान अवस्था में मृतक का शव मिला। मृतक के शरीर पर 16 घाव के निशान मिले हैं। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी सीओ सियाना व फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। बुलंदशहर में थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव सहरा के जंगल में स्थित आम के बाग का मामला बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में बुलंदशहर एसपी सिटी शंकर प्रसाद का क्या कुछ कहना है। सर, बीबी नगर क्षेत्र में हत्या का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? थाना बीबी नगर क्षेत्र के ग्राम ढकौली के एक वृद्ध व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद हुई है एक बगीचे में। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर शव को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया जो शव पे चोट के निशान पाए गए हैं उससे यह प्रतीत होता है कि इसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुआ, तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां निगम महापौर धीरज बाकलीवाल का 49वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। दुर्ग सिविल लाइन महापौर निवास में दुर्ग निगम महापौर को सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा रहा। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव एवं कांग्रेस के दिग्गज व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जन्मदिन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पूर्व विधायक अरुण बोरा भी बधाई देने पहुंचे। प्रथम नागरिक है और मैं शहर का विधायक हूं, उस नाते स्वाभाविक रूप से आपसे ही प्रेम है, शहर का विकास दोनों सोचते हैं। आज उनका बर्थडे है और सिर्फ महापौर क्या, दुर्ग नगर में किसी का भी जन्म उत्सव हो उसमें जाना भी चाहिए। और आज मैं आपके माध्यम से माननीय महापौर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उत्तम स्वास्थ्य की लाभ कामना करता हूँ और आज 49 साल उनके पूरे हुए हैं उसके लिए विशेष बधाई। शहर के मुखिया हैं, हम इनसे उम्मीद करते हैं कि एक शहर को जितना खूबसूरत आज माहौल है ऐसे पूरे शहर का माहौल हो, यही चाहते हैं इनसे। हमें बीजेपी और कांग्रेस वाली बात नहीं है, बात यहाँ पे संबंधों का है। राजनीतिक और सम्मान दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। एक परिवार में ही भाई अलग अलग पार्टी के होते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से अलग हैं। हम हमारे एक स्मार्ट और ड्रेसिंग एक सुंदर महापौर की दुर्ग शहर को एक सुंदर करने की कल्पना करते हैं और इनके दीर्घायु होने की भगवान से कामना करते हैं। आज दुर्ग शहर के प्रथम नागरिक माननीय धीरज बाकलीवाल महापौर दुर्ग का आज जन्मदिन है। हम भगवान से कामना करते हैं कि वो यशस्वी बने और मैं अपने वार्ड के सभी नागरिकों की ओर से उसे शुभकामनाएं देता हूँ। छत्तीसगढ़ दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के पाली तहसील के बालाबेहट के ग्रामीण पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। बता दें 3 किलोमीटर दूरी से पानी लाने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन के द्वारा टैंकर नहीं चलाए गए, जमीनी वाटर लेवल काफ़ी नीचे पहुंच जाने से हैंड पंपों ने छोड़ा पानी। कुआं बावड़ी सभी सूख चुके हैं। पठारी क्षेत्र होने के कारण जमीनी वाटर लेवल काफ़ी नीचे पहुँचने से यहाँ दिन प्रतिदिन पेयजल समस्या गहराने लगी है। निजी टैंकरों के पेयजल खरीदने को मजबूर हैं ग्रामवासी। 10 रुपए में 40 लीटर पेयजल खरीद ग्रामीण जल संस्थान के विभाग की टंकी बनी शोपीस। बता दें गांव में गिने चुने हैंडपंपों से निकलता है पानी, वहीं रात्रि में भी हैंडपंप पर लगते हैं नंबर। नमामि गंगे हर घर नल योजना का भी काम अधूरा पड़ा है, वहीं गाँव में पहुँची लमरहत पानी की समस्या है। हमारा रगबर है, बालाबेहट निवासी हैं। बोरों में पानी नहीं है, आदमों ने बहुत बोर करा लिया, कुआ सूख गए हैं और हम क्या करो जाए बताओ। दूसरी जगह से पानी लेके आ रहे हम लोग। कितने दूर से पानी लाते हैं? 3 किलोमीटर दूर से लिया है हम पानी। कहाँ से लाए हो? जो तो बालाबेहट निकाल के जो बजरंगला रोड है उस रोड से लिया है हम। हाँ, क्या है? पानी नहीं है, बहुत दूर से ले आते हैं, ना जमीन में पानी निकल रहा हो।
ना गांव में पानी है, इस क्षेत्र में पठारी इलाका है, जमीन में नहीं है पानी, नलों में पानी नहीं है, पानी निकल नहीं रहा है, पानी समस्या। ललितपुर से सीनियर संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। खबर रोहतास के काराकाट संसदीय क्षेत्र से है, जहां निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह का एक फेक पोस्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर पवन सिंह ने कहा कि मेरे नाम का फेक आईडी बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आईडी बना के फेक बातों को लिख के लोग पोस्ट कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि आप सब पे ध्यान न दिए जा, आप सब अपने बेटा भाई पवनवा के खाली आशीर्वाद दिए जा। नित्यानंद राय जी आए थे, उन्होंने रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र के लखनौती में पुरानी रंजिश के चलते कल युवक को चाकू से गोद कर घायल कर दिया गया था। घायल युवक को परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोह लेकर पहुंचे थे, जहां उसे गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। देर रात इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आइए जानते हैं इस विषय में परिजन एवं SSP का क्या कुछ कहना है। कल शाम थाना गंगोह में दो संबंधित पक्षों में, जो कि आपस में रिश्तेदार थे, दो युवकों में उनमें झगड़ा हुआ, जिसमें से कि एक युवक ने दूसरे पर चाकू चलाया। जो अभियुक्त है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था तत्काल जानलेवा हमले का, और उसमें गिरफ्तारी भी की गई है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि जो युवक घायल था उसकी मृत्यु हो गई है, और इस पर पुलिस द्वारा जो मुकदमा है उसको समुचित धाराओं में तरमीम कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य संलग्न कर अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां पर कि हत्या के मुकदमे में उनकी रिमांड लेकर उन्हें जेल भेजा जाएगा। दोनों युवकों में वही मौके पर ही किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिस पर कि तैश में आके एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू चला दिया, इसमें कि उसके पेट और गले पे वार किए गए थे। घटना के बाद अभियुक्त तुरंत मौके से फरार हो गया था। तत्पश्चात पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की खोजबीन कर उसे गिरफ्तार किया है, और जो भी अभी तक घटनाक्रम हुआ है उसके साक्ष्य संकलन कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मीर हसन जी। क्या बात हुई? क्या कल ये तीन जड़े थे चक्कू मारे? किसने? यह एक मुस्लिम है, एक उसके भाई का क्या नाम सुहेल, क्या बोल रहे हैं, अरे उसकी जो माँ थी, ये तीन थे, मैं इनमें की झूठ बोल रहे हैं। सलमा। तो क्या हुआ, क्या मामला, अब यहाँ पर इकट्ठे क्यों हो रहे आप? ये मामला ही हो रहा जी, जब इन्ना पैर, अरे सुन मैं नंबर भी हैं, दुरागा जी ने मैं बोलता रहा कौन है तू, मगर जी मैं अनपढ़ हूँ, पैरवाई क्यों नहीं करते? कौन सा दरोगा था? क्या नाम है इसका? यो है नंबर, राम कुमार जी, क्यों रहा नंबर भी इसका? अच्छा, बोला क्यों कर रहा फोन? एक दो मोबाइल सारे पास है, चुप मगा जी, वो क्यों नहीं चोर पकड़ते? एक मिनट माँ जी, चोर क्यों नहीं पकड़ते? अब तू कौन है? मगा मैं मालिक हूँ, थाने में बैठा तो ही ना, पूरे पर घूम का अपना है लिया, कभी कहीं बता दे कभी कहीं, मैं फोन करता रहा जी, अब रहा चढ़ापा चढ़ाएगी मैं शेखपुरे के, उसके साढ़े तक ने वह जमा कर गए और 50,000 रुपए दिए, मैं यहाँ बैठा था, मैं क्यों बैठा कर, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, कार्रवाई इन्हें यूँ नहीं करी, जब वो खाए गया तो अभी जहाँ सुबह रही मगा जी, दूसरे क्यों नहीं ठाया, अब कल को देखूंगा ठाऊंगा, अरे तेरा ना आ तू देखेगा, और मारा वो अजी सर रोटी भी दे रहे, पानी भी दे रहे, अंदर बिठा के जिस तरह ईमानदारी तो बात ही है, पानी भी दे रहे, रखा क्या वो लड़का जिसमें चाकू मारा रात का, उसे रोटी भी दे रहे, पानी भी दे रहे, ये चाय भी लाल के पिला रहे, से इस तरह भी दे रहे, जिस तरह कहीं ईमानदारी में बिठा रखा हो, और हमारे भाई की जान जा लीजिए, हम बिल्कुल उजड़ गए, घबरा फिर भी इंसाफ चाहिए जी, बस और कुछ नहीं, जब फांसी का हुक्म होना चाहिए जी। तीन खून कर रहे हैं तो तीन हो ले, एक छोटा सा बच्चा है वो वीरान हो गया, एक घर वाली वीरान हो गई, एक पेट में बाहर के वो जब भी पता, दो साल का बच्चा है ये, कि बाहर का दिन था इन्ना कुंची गिरी, और दीवान जी ने दुर्गा जी ने पता, चक्कू इतने बार रखे है जी उसके बेहद, पता ही नहीं पता, पुलिस ने भी पता। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।